हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में बेहद आसान है। चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 केजी गाजर, जो मैंने कद्दूकस कर लिया है, 250 ग्राम चीनी, 1 कटोरी मावा, 200 ग्राम काजू और बादाम, 1 गिलास दूध, आधा कप घी, 3 छोटी इलायची, 2 लौंग। कढ़ाई हम रख देंगे गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गई, अब डालेंगे घी। घी गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे लौंग और इलायची। लौंग इलायची जब चटकने लगे तब हम इसमें डालेंगे गाजर। अच्छे से चला के मिला दें। हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे। पांच मिनट बाद खोल कर देखेंगे, फिर चलाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे हमें चलाते जाना है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। हमें फिर से चलाना है और अच्छे से मिला दें। थोड़ी थोड़ी देर पे हमें चलाते जाना है ताकि नीचे लगे ना। अब इसे ढक देंगे। 5 मिनट बाद खोल कर देखेंगे, फिर से चलाना है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। अच्छे से मिला दें चला के। ढक दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम खोल कर देखेंगे। चलाते जाना है थोड़ी थोड़ी देर पे। गैस हाई फ्लेम रखें। अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर। अच्छे से मिला दें। चीनी का पानी सूख चुका है, अब हम डालेंगे मावा। अच्छे से फैला दें। के लिए ढक दें, गैस की आंच लो कर दें। 2 मिनट बाद हम खोल कर देखेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। 1 मिनट तक ऐसे पकाएं, उसके बाद गैस बंद कर दें। गाजर का हलवा है तैयार। बहुत स्वादिष्ट बना है, आप भी एक बार बना के ज़रूर देखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।